समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, वो कह रहे हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके बाद फिर पार्टी है, सरकारें हैं, इस तरह की बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। भारतीय जनता पार्टी झूठ की खेती करती है, इनका सांप्रदायिक चेहरा सबने देख लिया है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को इन्होंने तार तार किया, ऐसा लगता है कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई धर्माचार्य बोल रहा है। और अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो इनको मुस्लिम वोटों की भी चिंता हो रही है। अगर मुस्लिम वोट की बात और मुस्लिम वोट के कल्याण की बात समाजवादी पार्टी करती है या कांग्रेस करती है तो उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है। आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, यही भाजपा के लोग हैं। और जब मुस्लिम वोट की बात भाजपा करती है तो इनके बड़े बड़े नेता उसको सेकुलर बोलते हैं। मतलब भाजपा मुस्लिम वोट की बात करे तो सेकुलर, भाजपा मुस्लिम कल्याण और वोट की बात करे तो सेकुलर, और जब सपा मुस्लिम वोट की बात करे और कल्याण की बात करे, कांग्रेस मुस्लिम वोट और कल्याण की बात करे तो मुस्लिम तुष्टिकरण। इनका यह दोहरा चरित्र है, दोहरा मानक है। और सही मायने में इन्होंने चिन्हित करके अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समाज के तमाम बेकसूर नौजवानों पर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए हैं, जिस तरीके से बुलडोजर चलवाए हैं, इसको पूरे उत्तर प्रदेश ने नहीं, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी आधार पे आपकी 2024 के भी चुनाव लड़ेंगे और 2024 में 80 की 80 आपकी जीतेंगे। पहले तो कुछ छोड़ दिया था भाजपा का, यही तो असली चेहरा देखना है। मुँह में राम बगल में छुरी, जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, आदिवासी, अनुसूचित जात, पिछड़े वर्गों ने इनका साथ दिया, सबका आरक्षण खत्म कर दिए। ये ऐसे विषैले सांप हैं जो मौका पाने पर डसने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। और सही मायने में ये दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के ही दुश्मन नहीं, ये तो देश के भी दुश्मन हैं। ये तो देश को हिंदू मुस्लिम करके फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी भारत को फिर बंटवाने की फिराक में है। इसलिए इनके घिनौने चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। और अभी अभी पूरे देश में कई प्रदेशों में उपचुनाव हुआ, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और यहाँ तक कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ और हिमाचल आम चुनाव हुआ। हिमाचल में जनता इनको नकार दिया, कांग्रेस सरकार बन गई। एमसीडी दिल्ली में जनता ने इनको नकार दिया, वहाँ केजरीवाल बाजी मार ले गए। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में एक भी उपचुनाव में इनको सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश जहाँ इनकी सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी इनको एक सीट नहीं मिली। बिहार में मात्र एक सीट मिली। उत्तर प्रदेश में भी मात्र 3 सीटों में एक सीट जीते। कैसे जीते इसको सबने देखा कि 1 घंटे काउंटिंग रोककर, काउंटिंग में हेर फेर, किसी तरीके से सरकार ने अपनी नाक बचाने के लिए रामपुर सीट झटक ली। लेकिन अगर ईमानदारी से होता तो यहाँ भी 3ों पर सपा इनका था। और इसी प्रकार से राजस्थान में भी उपचुनाव में इनको एक भी सीट नहीं मिली। जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया, और जब जनता ने नकारना शुरू कर दिया तब इनको मुस्लिम वोट की याद आ गई। लेकिन सारे लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, समाज को बांटने की कोशिश की है, समाज को तोड़ने की कोशिश की है, और साथ ही साथ विशेष रूप से आदिवासी, दलित, पिछड़ों के आरक्षण को, जो एक संवैधानिक अधिकार उनको मिला हुआ था, किस तरीके से उसको अजगर की तरह निकल गए। शायद दलित, पिछड़ा और अकलीय समाज के लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि ये सांप की तरह हैं, निगल गए अजगर की तरह, तो इन नागनाथ, सांपनाथ पहले भी आपने कहा था, तो इनका क्या इलाज है? इनका इलाज तो मैं विधानसभा के उपचुनाव में ही, 2022 के चुनाव में ही कर दिया था। अब किसी तरीके से बच गए, कैसे बचे हैं इसको पूरा देश और दुनिया जानता है। लेकिन अभी जिस तरीके से पूरे देश के उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान आया है, जिस तरीके से एमसीडी इनके हाथ से निकल गई, हिमाचल प्रदेश इनके हाथ से निकल गया, 2024 लोकसभा का चुनाव
भारतीय जनता पार्टी के विदाई का चुनाव होगा। विदाई का चुनाव होगा। सर एक सवाल और था, आजकल बड़ी चर्चा चल रही है बाबा बागेश्वर की, और तमाम जो है वो बता रहे हैं कि कोई झाड़ फूक कर देता है तो उसको ठीक कर देते हैं, और तमाम तमाम बातें जो है वो निकल के उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग ढोंग और ढकोसले, दिखावे और छलावे, करिश्मा के नाम पर तमाम धर्माचार्य लूटते रहे। लेकिन मैं यही कह देना चाहता हूं कि अगर सारा उपचार इनके पास, सारी दवा इनके पास, तो सारे मेडिकल विश्वविद्यालय बंद कर देने चाहिए, सारे चिकित्सालय बंद कर देने चाहिए, सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए, सारे सीएससी पीएससी बंद कर देने चाहिए। जब सारा उपचार इन्हीं के पास है तो क्या जरूरत है करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का? इसलिए ऐसे लोग जो भांग खा करके देश को आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझते हैं सरकार इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार भी उनके हाँ में हाँ मिला करके ढोंग और ढकोसले को बढ़ावा दे रही है। हम समझते हैं ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, लोग चंद्रमा और मंगल पर चढ़ाई कर रहे हैं, और ये लोग जादू टोने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जादू टोने के चक्कर में हजारों साल तक ये देश गुलाम रहा है, और फिर ये देश गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे ही धर्माचार्यों से बेड़ा गर्क हो रहा है, इस देश का सत्यानाश हो रहा है। और यही कारण है कि दुनिया का सबसे विश्व विख्यात भारत देश, जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए हों, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिस भारत को दुनिया का धर्मगुरु कहा जाता है, उसी देश में ऐसे ही ढोंग ढकोसला वाले लोग भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। रामचरितमानस से वो तो शिक्षाएं भी दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं रामचरितमानस पे कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से अमल करना चाहिए। बाबा बागेश्वर तो इस तरह की भी शिक्षाएं देते हैं मंचों से। इन्हीं की तरह किसी ढोंगी ने उसको भी लिखा होगा, वो 500-600 साल पहले का लिखा हुआ, बहुत हजार साल पहले का नहीं है। और इसी तरीके से वो भी कोई पैदा हो गए, उन्होंने खूब गाली दिया है दलितों को, पिछड़ों को, और बड़े बड़े पैमाने पर गालियां दी हैं। अभी शिक्षा मंत्री बिहार ने उस पर कुछ एक थोड़ी टिप्पणी की है, उस पर मैंने भी कई बार टिप्पणी कर दिया है, सरकार के अंदर थोड़ी भी मर्यादा है, नैतिकता है। तो ऐसे जात सूचक गाली देने वाले चौपाई और दोहों को तुलसी की रामायण से निकलवाना चाहिए। तो रामायण से ऐसे चौपाई और दोहे निकाल देने चाहिए, यानी प्रतिबंधित करने की भी बात कर रहे हैं क्या आप? स्वाभाविक रूप से यह है, धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को, किसी भी धर्म को, किसी को गाली देने का अधिकार नहीं। इन्हें तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है कि जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा, जाति सच जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अधम जातियों में इनको गिनने का पाप किया है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहिन शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये कहां का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कितना भी मूर्ख ब्राह्मण हो उसका पूजा करिए, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न शूद्र हो उसका सम्मान न करिए, ये तुलसी बाबा लिखते हैं। यही नहीं, ढोल गमार शूद पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी 50% आबादी है महिलाओं की, वो महिलाएं किसी वर्ग की हों, सामान्य वर्ग की हों, दलित की हों, पिछड़े की हों, अगड़े की हों, हिंदू की हों, मुसलमान की हों, किसी भी वर्ग की हों, कौन अधिकार दिया मुसलमानों को अपमानित करने के लिए, ये महिलाओं को अपमानित करने के लिए? किसने अधिकार दिया पिछड़ों को गाली देने के लिए? किसने अधिकार दिया शूद्र कहकर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को? इंसान की जिंदगी तो बहुत दूर, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए इन्होंने मजबूर किया, क्या यही धर्म है? और कहते हैं अगर तुलसीदास की रामायण पर कोई टिप्पणी करता है तो हिंदू भावना आहत होती। 54% पिछड़े हैं, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? क्या उनकी भावना नहीं आहत होती क्या? पिछड़ों को आप गाली देते हो उनकी भावना नहीं पीड़ित होती क्या? 23% 24% दलित हैं, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? अगर हिंदू हैं तो गाली देने से क्या उनकी भावना नहीं आहत होती क्या? इस तरीके से 5% हिंदुओं की इनको बड़ी चिंता है,
80% हिंदू जो यहाँ पर आदिवासी दलित और पिछड़े हैं, 85% उनकी चिंता इनको नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अगर वो भी हिंदू हैं तो क्या उनकी भावनाएं गाली से आहत नहीं हो रही हैं? तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत लंबी बहस की बात है। आज हम विज्ञान के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये आज से हजारों साल पहले की दकियानुषी विचार ला करके लोगों पर ढोंग और पाखंड लादने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रतिबंधित होनी चाहिए सर। स्वाभाविक रूप से ऐसे जहरीले साहित्य जो धर्म के नाम पर लोगों पर जाने अनजाने थोपे गए हैं, इन पुस्तकों को प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर पुस्तक प्रतिबंधित नहीं होती है तो वो अंश जिसमें शूद्र कहकर आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गालियां दी गई हैं, उस अंश को बाहर कर देना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बड़े ही आक्रामक नजर आए और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे ग्रंथों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिसमें पिछड़ों और दलितों को गालियां दी गई हैं, या उन श्लोकों को निकाल देना चाहिए, चौपाइयों को निकाल देना चाहिए जिसमें इस तरह की बातें लिखी हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।